अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग जो है ये मैंने बच्चों की छुट्टी वाले दिन रिकॉर्ड किया था, जो कि हमने सुबह नाश्ता करने के बाद बच्चों के साथ हम चले गए थे, जो कि घर के बिल्कुल नज़दीक ही है, जहाँ बहुत सारे ये डक्स वगैरह हैं और पानी है, जो मेरी छोटी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ डक्स वगैरह के पास लेकर जाना, और मेरी नंद को भी। तो इस वजह से हम सब बच्चों को हम साथ ही लेकर यहाँ चले गए थे, ताकि इनको इनको फीड भी करा सके, क्योंकि यहाँ जो है सब तकरीबन ज़्यादातर लोग आते हैं यहाँ, यहाँ जो डॉग्स वगैरह इनको खाना देते हैं सबको। लेकिन जब स्टार्ट में हमें पता नहीं था तो हम जो ब्रेड्स हैं वो लेकर जाते थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो अलाउ नहीं है डक्स को देना, तो चावल ही देने हैं, तो राइस वही लेकर जाने हैं। तो अब जब भी जाते हैं सिर्फ राइस ही लेकर जाते हैं। ليه ده استاد فاميلنا دي كانت مرة مرة ركشة كناسة ده كواك كواك वो तो टोप में किस भी ले दग आ वहां तक ही आ गई तमाचे वे लगे लगे ديش كي تم اخري تدسي यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद तो फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि चलें यहाँ थोड़ा सा वॉक करके घर चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर हम यहाँ बैठे हुए थे और काफ़ी ठंड भी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। यहाँ मैंने अपनी नन से पूछा ठंड लग रही है, तो वो कह रही नहीं नहीं मुझे ठंड नहीं लग रही, हालांकि बहुत ज़्यादा ठंड थी।
हालांकि क्रिकेट मैच भी चल रहा था तो मेरे हस्बैंड मोबाइल में वो भी देख रहे थे। बस तो यहाँ बच्चों ने अच्छा खासा खेल लिया था और मेरी जो छोटी बेटी है वो उनको बहुत पसंद है, उनके टीचर्स भी इनको लेकर आती हैं यहाँ। और यहाँ ये मेरी बड़ी बेटी फर्स्ट टाइम वो चला रही है, तो वो मेरे बेटे के हेल्प की वजह से उसको पक्का ऐसे पकड़ा हुआ था ताकि वो गिरे ना, लेकिन काफ़ी अच्छा फर्स्ट टाइम चला रही थी, लेकिन ये कि चला लिया था इन्होंने। ये जो जगह है यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, क्योंकि हर तरफ ग्रीनरी होती है, दरख्त और सब बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। लेकिन अभी ये विंटर है, सब पत्ते सब कुछ ये तो सूख ही चुके हैं। लेकिन और दूसरी ये बात कि ये जो पानी है ये आधे एक साइड पे बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई थी जिसके ऊपर बच्चे फिर रहे थे, लेकिन मैंने अपने बच्चों को नहीं छोड़ा, मुझे डर लग रहा था कि कहीं पाँव या अंदर ना चला जाए बर्फ़ में। और एक साइड पे बिल्कुल नॉर्मल पानी था जिसमें ये डक्स वगैरह खेल रही थी, उसमें ये रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ इस साइड पे बिल्कुल बर्फ़ सी बनी हुई थी सब कुछ ऐसे से, और दूसरी साइड पे बिल्कुल नॉर्मल सा था। और धूप निकली हुई थी लेकिन धूप में भी ऐसी ठंड लग रही थी कि बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे। और यहाँ जो दरख्त यहाँ काफ़ी ज़्यादा हो गए थे तो यहाँ थोड़े से काट लिए थे, तो वो जो दरख्त के जो पीसीस थे छोटे छोटे वो भी ऐसे कड़क थे कि हाथ में लेते थे तो उससे हाथ में ऐसे जैसे काटने का वो होता था, डर था कि ये हाथ ही ना कट जाए ऐसे ठंड की वजह से, बर्फ़ की वजह से ये सारे ऐसे जमे हुए थे। और यहाँ मेरे बेटे ने मेरी बड़ी बेटी से कहा कि मैं थक चुका हूँ मुझे उठा के लेकर जा, तो वो लेकर जा रहे थे और पीछे से मैं यही आवाज़ें दे रही थी कि नीचे को उतारो नीचे उतारो, कमर में दर्द हो जाएगी या कुछ, तो वो सुन ही नहीं रही थी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा वज़न नहीं है, हल्का है बिल्कुल। जो मेरा बेटा वो थोड़ा सा कमज़ोर है, तो वो मेरी बेटी उसको उठा के ऐसे लेकर जा रही थी जैसे छोटा सा बच्चा पीछे उठाया हुआ हो लेकर जा। लेकिन आगे जाके जब मेरी बेटी ने बेटे से कहा कि अब आप मुझे उठाओ, और तो वो तो जब बिछा जैसे सके ना उस उठाते जगह। थे तो वो गिर जाता था, तो क्योंकि उसमें बिल्कुल जोर ही नहीं था उसको उठाने के लिए। तो ये यहाँ बस हंसते हंसते यही जा रहे थे पूरे रास्ते बच्चे, ये कि बच्चों के साथ टाइम भी बहुत अच्छा पास हो जाता है, ऐसे हरकतें करते हैं जिससे बिल्कुल सही शुए टेंशन कम जो जरा। ऐसे डिप्रेशन सा जो होता है वो बिल्कुल ही हट ही जाता है। बस हम घर ही जा रहे थे और जाओ घर जाते ही मैंने आज खाने में जो हमारी अफगानी डिश है मंतू जिसे कहते हैं हमारी जुबान में, तो वो मैंने बनाई सबके लिए ताकि, और जो मेरी जो नंद है वो तो छुट्टियों में ही हमारे पास होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई ऐसी डिश बनाऊं जो वो मज़े से खा सके, और उनको पसंद भी बहुत ज़्यादा है, मेरी बेटी को मेरे हस्बैंड को मेरी नंद को इनको बहुत पसंद। मैं खा लेती हूँ लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पसंद जितने के इनको पसंद है, तो बस वो उनके लिए मैं बना रही थी।
खाना खाने के बाद ये जो है ये हमारी अफ़गानी स्वीट्स हैं, वो मैंने बनाए थे थोड़े से, जो कि बहुत मज़े के होते हैं। और ये हमारी ज़ुबान में तो इसको गुनजाखी भी कहते हैं और खजूर भी कहते हैं, तो मुझे ये नहीं पता कि उर्दू में इसे क्या कहते हैं या हिंदी में, जो कि इसमें चीनी और आटा और अंडे वगैरह ये सब चीज़ें मिला के इसे ये बनाए जाते हैं और फिर घी में तलते हैं। बस ये तो ये यहाँ बना रही थी। और ये हम अक्सर ये ग्रीन टी के साथ जब खाना खा रहे थे, उसके बाद जब चाय बनाते हैं तो उसके साथ एक या दो या तीन ऐसे जितने जिसने लेने हो तो वो हम उतने ले लेते हैं। तो ये जो है ये स्वीट्स हम ज़्यादातर त्यौहारों में भी बनाते हैं, जैसे कि ईद हो गई या ऐसे कोई घर में कोई दावत हो और उस वजह से, या हमारे जो अफ़गानी नया साल होता है तो उसमें हम ऐसे इन चीज़ों पे हम ज़्यादा ये बनाते हैं और काफ़ी मज़े का होता है। तो यहाँ जो ताज़ा ताज़ा बने हुए थे तो मैंने अपने ननद के लिए निकाल लिए थे ताकि वो भी यहाँ बैठ के खा सके। और साथ साथ ही जो थोड़ी बहुत बर्फ़बारी भी स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ बच्चों के लिए थोड़े से स्नैक्स वगैरह जैसे चिप्स और कैंडीज़ वगैरह लिए थे, क्योंकि छुट्टी के वाले दिन हम बच्चों को ये ज़रूर देते हैं। यहाँ ये सारे बन चुके थे, इस तरह से लुक है इसकी। और यहाँ छोटी बेटी भी उनको उनकी चेयर पे बिठा के मैं देती हूँ, क्योंकि अगर वो चेयर पे ना बैठे तो वो हर जगह से फेंकती रहती है, तो फिर वो बाद में सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ मैंने और मेरे हस्बैंड भी साथ ही बैठ के हमने भी चाय ली ग्रीन टी के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। और ये बर्फ़बारी काफ़ी तेज़ हो चुकी थी, और जैसे कि वीडियो में देख रहे होंगे काफ़ी तेज़ हवा भी चल रही थी और साथ में बर्फ़बारी भी पड़ी थी। ये अगले दिन का जो है मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने सिर्फ ये बर्फ़ जो इतने ज़्यादा बर्फ़बारी हो गई थी, पूरी रात बर्फ़ पड़ी थी, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। सारे जो ट्रैफिक हैं बसेस और जो ट्रेन्स वगैरह ये सब कुछ बंद हो चुका था, और जो तकरीबन रोड वगैरह सब कुछ ऐसे बिल्कुल ट्रैफिक ही बंद हो चुकी थी। तो बस यहाँ बेटे को मेरे हस्बैंड ने वैसे दिया कि ये सारे जो विंडो वगैरह ये साफ़ कर दो, ताकि बाहर बिल्कुल अंदर से बाहर नज़र ही नहीं आ रहा। तो आज की यही वीडियो थी, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में, और अब तो रमज़ान भी आ रहा है, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।